बढ़ते आगे, बुधवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होगी। बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी सहित आईएनडीआईए अलायंस के विधायक शामिल होंगे। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी शामिल होंगे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद राजनीतिक परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है और इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में गठबंधन के दल कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इधर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन को फोन कर उनका हालचाल पूछा। साथ ही सोनिया गांधी ने झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी हेमंत सोरेन से चर्चा की है। तो 3 जुलाई को बैठक होनी है और इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के विधायक इस बैठक में शामिल होंगे और सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास पर और तमाम आईएनडीआईए अलायंस के विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे और हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति चूंकि पूरी तरह से बदली हुई है, ऐसे में इस बैठक को और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल रश्मि, देखिए कल देर शाम ही सभी विधायकों को सूचना दे दी गई थी फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कि आज शाम तक उन्हें रांची पहुंच जाना है और मुख्यमंत्री आवास में कल 11 बजे से ये बैठक होनी है। यानी 3 जुलाई को दिन के 11 बजे से बैठक शुरू होगी और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद वो सभी विधायकों से इंटरेक्ट करेंगे और देखिए जो शामिल दल है, यानी कांग्रेस की बात की जाए, राजद की बात की जाए या फिर माले की बात की जाए, उनके विधायक जो हैं वो उपस्थित रहेंगे और कई, चूंकि आने वाले दिनों में ये राजनीति की दिशा और दशा ये बैठक बदल सकती है, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबरें आ रही थी उस पर मुहर लग सकती है। और देखिए, बैठक को लेकर के इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोनिया गांधी से भी बात हुई है। सोनिया गांधी ने भी कई सारी जानकारी जो है वो ली है। तो आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा के भी चुनाव है, उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार होना है और देखना होगा। खबरें जो निकल करके सामने आ रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ कांग्रेस को विधायक दल का नेता चुनना है और मासस का जो विलय है वो जेएमएम में होना है, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय है वो इस बैठक में लिए जा सकते हैं। हालांकि जो विधायक गण है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो रांची में थे वो तो रांची में ही रह गए, लेकिन जो दूर दराज से आते हैं विधायक, जो अलग अलग झारखंड विधानसभा यानी कि विधानसभा के जो सदस्य हैं, जैसे दुमका हो गया, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आने में समय लगता है, 7-8 घंटे का समय जो है वो लगता है, तो ऐसे में वो आज पहुंच ही जाएंगे और आज देर शाम सभी की उपस्थिति हो जाएगी। कल दिन के 11 बजे से होने वाली बैठक के पूर्व ही मुख्यमंत्री आवास में पहुंचेंगे और ये बैठक में शामिल होने के लिए मुख्य रूप से कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो भी यहां रांची पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रुचि, और हूल दिवस पर हमने देखा किस तरह से हेमंत सोरेन ने ये कहा कि अब नेतृत्व हम करेंगे, तो क्या ये मानकर चलना चाहिए कि इस बैठक में नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है? देखिए, संभावना जताई जा रही है। ऐसे भी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो हैं, कोई भी निर्णय लेने से पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सलाह लिया करते थे। और देखिए, जनता जनार्दन की मांग है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की मांग है कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन के हाथ में सत्ता की कमान। हालांकि चंपई सोरेन भी, उन्होंने भी कहा था कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 है और उसके तहत, उसके आधार पर कार्य हो रहे थे। तो ऐसे में देखिए कल क्या होता है, कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और क्या कुछ निर्णय जो है वो निकल कर सामने आता है। ऐसे भी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ देखना होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा या चंपई सोरेन ही रहते हैं या फिर बदले जाने की, यानी कि एक बार फिर से कमान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।